नमस्कार, आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स के विषय। देयर आर डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स जो कि कई सालों के ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्हें छाना गया है, एंड व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल कैन हैव व्हाट इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। शायद कहीं ये समझने से या तो बालक ऐसा क्यों है, चाइल्ड ऐसा क्यों है, या एडल्टहुड में भी कई बिहेवियर पैटर्न्स को समझा जा सकता है, या अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ योर पेरेंटिंग स्टाइल कुड हेल्प यू डील बेटर विथ योर किड। सो लेट्स स्टार्ट। मैं डॉक्टर आनंद जोशी, कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर एंड प्राणिक हीलर। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग? तो इसमें ऑब्जर्वेशन के आधार पे थोड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं। देर आर फोर बेसिक स्टाइल्स कहते हैं, कई बार पांच, कई बार छह, नंबर डजंट मैटर। बट अगर हम ये समझ पाए कि एग्जैक्ट पेरेंटिंग स्टाइल्स कौन कौन सी प्रेवेलेंट है, या ज्यादातर पेरेंटिंग स्टाइल्स कौन सी देखी जाती है, तो शायद ये हमें राइट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग चूज करने में हेल्प करे। टू स्टार्ट विथ ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। तो ऑथोरिटेरियन स्टाइल यानी जहां पे पेरेंट्स बालक के ऊपर कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करते हैं। दे आर कंट्रोलिंग पेरेंट्स, दे वॉन्ट दी चाइल्ड टू बिहेव इन सम पर्टिकुलर मैनर्स। वो मैनरिज्म्स वो नहीं छोड़ सकता बच्चा। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द किड इज शाउटिंग एंड क्राइंग, देन द किड इज सेंट इन द कॉर्नर, कि आपको थोड़ी मिनटों तक या आधे घंटे तक यू आर नॉट टॉकिंग, आप अपने रूम में चले जाओ। दे आर नॉट लिसनिंग काइंड ऑफ। सो इट्स मोर ऑफ कंट्रोलिंग पेरेंटिंग। इसका असर क्या होता है? तो बालक एक्सप्रेसिव नहीं रहता। द चाइल्ड कैन नॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ। बच्चे हमेशा अच्छी तरीके से बात करके खुद को एक्सप्रेस करे, ये एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की थोड़ी ज़्यादा है। वो बच्चे हैं, कभी रोएंगे, कभी थोड़ी जिद भी करेंगे। यू नीड टू गेज दैट कि वेन टू लेट देम डू दैट एंड वेन नॉट। तो बालक कुछ भी करे या रोए या बताना चाहे, आप उसको तुरंत शट डाउन करके उसको डिसिप्लिन करना चाहते हैं, ये बालक आगे जाके इन एक्सप्रेसिव होगा। दे वुड बी गुड फॉर द सोसाइटी, दे वुड बी डिसिप्लिन, लेकिन वो एक्सप्रेशन भूल जाएंगे और उसके कारण लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। दे वुड बी गुड फिटिंग सोसाइटी सिटीजन, बट दे वुड बी रैदर डिप्रेस्ड फ्रॉम विद इन। एज एडल्ट दे वुड नॉट बी एबल टू टेक द डिसीजन ऑन देयर ओन, और कहीं ना कहीं वही चीज ये आगे जाके इनडिसिसिवनेस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो सकती है। सेकेंड टाइप ऑफ पेरेंट्स आर परमिटिव, यानी वो हर एक चीज में हाँ बताते हैं। दे गिव परमिशन टू एवरीथिंग द किड वॉन्ट्स। अगर बच्चे को नहीं चलना तो गोदी उठा लिया, अगर बच्चे को पिज्जा खाना है तो जस्ट ऑर्डर कर दिया, अगर बच्चे को घूमने जाना है तो वो तुरंत घूमने भी ले गए। वो लोग मानते हैं कि बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी की जाए। देन देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन के बच्चे की इच्छा और बच्चे की जिद। अगर ये नहीं समझ पाए तो बच्चा कभी ना सुनने का आदी नहीं रहेगा। एंड व्हेन द किड डजंट लिसन नो, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ही वुड बी इनकंसिडरेट टू पीपल। चीजों को, परिस्थिति को वो कंसिडर नहीं कर पाएगा जो भी उसके विरुद्ध होगा, या समथिंग विच इज नॉट एग्जैक्टली सूटिंग टू देयर नीड्स। वहां पे शायद ये इनकंसिडरेट होने के कारण वो सोशली मिसफिट बनेंगे। आइदर दे वुड बी इनटू टैंट्रम्स, आइदर दे वुड बी हैविंग दैट इल्यूजन ऑफ बीइंग समथिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड दे कैन नॉट फिट इन द सोसाइटी। ऐसे बच्चे आगे जाके दे कैन टर्न वायलेंट और दे कैन टर्न टोटल इंट्रोवर्ट, क्योंकि अब उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही है। सो दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। द थर्ड टाइप ऑफ पेरेंटिंग वुड बी निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। निग्लेक्टफुल माने बच्चे की कोई भी डिमांड्स हो, चाहे इमोशनल चाहे मटेरियलिस्टिक, पेरेंट्स यूजुअली निग्लेक्ट। सिर्फ डिमांड्स नहीं, बच्चे के अचीवमेंट्स पर, बच्चे ने कुछ चीज बनाई, कुछ ड्रॉ किया, बच्चे का ग्रेड्स आए, एंड दैट पेरेंट्स आर नॉट दैट इन्वॉल्व इन वॉट द किड इज डूइंग, और बालक के अपब्रिंगिंग में इतने इन्वॉल्व नहीं रहते। या तो दे आर कमिटेड टू देयर वर्क, या तो इट्स जस्ट देयर इंट्रोवर्ट नेचर वेयर दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे कैन नॉट अप्रिशिएट द चाइल्ड। अब इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग के कारण बालक की सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी, वो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम होगा, और दैट किड कैन नॉट अगेन, वन इज इनएक्सप्रेसिव एज अ एडल्ट, and they have low self-worth. So due to that low self-worth, they feel they are unworthy of love. क्योंकि वो they have been always neglected, उन्हें कभी बचपन में acknowledgement या प्यार नहीं मिला,
and that gives a thought process of being unworthy for love, and somehow they lock themselves and they cannot either accept love or they cannot love people. So it's like emotionless kind of people where it's more of intellect over emotion. वैसे बालक हो सकते हैं. This can long term go into an emotional breakdown या कहीं ना कहीं PTSD भी cause कर सकता है. The fourth type of parenting is authoritarian parenting, and authoritarian parenting is in a way कि जहाँ पे the rights and responsibilities both are talked about. कि बच्चा ये कर भी सकता है, द चाइल्ड कैन गेट दिस, बट देन द चाइल्ड हैज ऑल्सो इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जैसे बच्चा खेल सकता है जितने टॉयज से चाहे, पर खेलने के बाद उसे टॉयज टाइडी करने हैं. द किड कैन हैव चॉकलेट्स और पिज्जाज, बट द डेज आर फिक्स आइदर इन वीकेंड्स और वंस इन 15 डेज. ये पेरेंट ग्रुप ऐसा है कि जो बच्चों को सुनता भी है, उनको सुनने के बाद उनके लिए रूल्स या उनके रिस्ट्रिक्शंस रखता है. इसका फायदा ये है कि द चाइल्ड learns to express, child understands कि मैं बता सकता हूँ, और उस expression के बाद there is a dialogue where the parent also tells, and then they come down to a common platform. ऐसे बच्चे ज़्यादातर confident रहते हैं, they grow up to be an individuals who can express themselves well, who can assert their choices, they know when to play, they know when to work, and that is a relatively a balanced state of the emotion and intellect both. इसके अलावा there are few parenting styles तो नहीं करेंगे, but it's I don't know, it's by choice or otherwise. Usually when we see these parents are with trauma, जैसे alcoholic parenting, कोई भी एक parent या दोनों parent alcoholic या किसी प्रकार का कोई व्यसन हो उन्हें, they are addicted to something, that creates a huge impact on the child's mental health. Helicopter parenting is a new term. और ये ओवर इन्वॉल्व पेरेंट्स है. दे हैव टू कॉन्स्टेंटली होवर अपॉन द चाइल्ड फॉर ऑल देयर नीड्स, एंड दे सॉल्व ऑल द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड. और व्हाट हैपेंस देन इज व्हेन यू सॉल्व ऑल द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम फॉर योर चाइल्ड, यू स्टॉप लेटिंग देम ग्रो. होता ये है कि बालक आपका खुद ग्रो नहीं होता, एंड यू आर गिविंग ऑल द स्मॉलेस्ट नीड्स, एंड सो व्हेन दे फेस प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, इन देयर एडल्टहुड, इन देयर रियल लाइफ, जब उन्हें प्रॉब्लम्स आते हैं तो बालक खुद फेस नहीं कर पाता, ब्रेकडाउन में जाएगा, सिंपलेस्ट चीजें भी शायद वो ना कर पाए. तो दिस आर सम पेरेंटिंग स्टाइल्स. वॉच व्हाट योर पेरेंटिंग स्टाइल इज, एंड द आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें तो दैट्स अ बिग डिबेटेबल क्वेश्चन, बट आई वुड टेल यू कि समय के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक आप डिसाइड करें कि इस परिस्थिति में, इस उम्र में, इस दौर में आपके बच्चे के लिए कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी रहेगी. So I hope this helps. Put down your questions into the comment box below, or you can write to us, DM to us over mail or WhatsApp. All the descriptions are in the comment box below. Thank you.